अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाजी से मुगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कदम से ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं। बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर आया हूँ आज इस वीडियो पर रिएक्शन देने वालों, बड़ी ज़बरदस्त और पाकिस्तान के लिए तो खैर बहुत ही कमाल की न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने राफेल का तोड़ निकाला है जनाब। J10C जो फाइटर जेट थे चाइना से इम्पोर्ट होने थे, वो अब पाकिस्तान में पहुँचना शुरू हो चुके हैं। उसको लेकर ये वीडियो है। आपको वीडियो का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी थंबनेल टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, थंबनेल से भी आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो आइडिया हो जाता है बंदे को। तो मज़ीद मैं थंबनेल की तरफ चलता हूँ। ए रिपोर्ट ऑन पाकिस्तान J10C एयरक्राफ्ट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद, नॉट ए गुड फॉर राफेल एंड SU-30। मतलब कि राफेल के लिए अच्छी खबर नहीं है और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी न्यूज़ है जो कि राफेल का तोड़ लेकर आया है। ज़बरदस्त न्यूज़ है, वाकई बड़ी बड़ा कमाल का काम किया है पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। आप जाएँ इन सब इनके चैनल पर जाके विजिट करें और इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान डिफेंस अपडेट वालों की ये वीडियो है। तो अभी तक जो मेरे वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जितने भी न्यू मेंबर हैं मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर जाएँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो चलें लेट्स गो, वीडियो करते हैं स्टार्ट और न्यूज़ जानने की कोशिश। आखिर रहमान रहीम एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान डिफेंस अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान के J10C एयरक्राफ्ट से मुतल्लिक खबर सामने आई है और खबर इस हवाले से है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का J10C एयरक्राफ्ट भारत के राफेल और Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को अकेला ही जंग के दौरान शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। ये बात काबिल जिक्र है कि यही दो जदीद एयरक्राफ्ट हैं जो इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद हैं। हथियारों की कारकर्दगी और सलाहियतों को जांचने वाले माहिरीन की तरफ से ऐसा क्यों कहा गया, ये बात भी बताना ज़रूरी है कि जब भी कोई इंटरनेशनल एक्सरसाइज होती है तो ऐसे माहिरीन की नज़र एयरक्राफ्ट की कारकर्दगी पर होती है और मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद उनकी तरफ से रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट किस तैयारे के खिलाफ किस कारकर्दगी का हामिल है। यही वजह है कि माहिरीन की तरफ से ये कहा गया है कि पिछले साल के आखिर में पाकिस्तान और चीन के दरमियान हुई एक्सरसाइज में J10C एयरक्राफ्ट और चाइनीज J11B फाइटर जेट एयरक्राफ्ट ने शिरकत की। इन एक्सरसाइज में सिमुलेट यूज़ करते हुए इंडियन राफेल और Su-30 MKI लड़ाका हथियारों के खिलाफ एक्सरसाइज की गई। पाकिस्तान एयरफोर्स भी इसमें शामिल थी। इस एक्सरसाइज के फौरन बाद चाइनीज़ मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया था कि J10C और J11B एयरक्राफ्ट ने KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट Y-8 के साथ मिलकर एक ऐसा जंगी माहौल बनाया कि जिसमें भारतीय राफेल और Su-30 MKI को कई बार शिकस्त दी गई। अगरचे ऐसी मशकों में बराह रास्त भारत के ये एयरक्राफ्ट शामिल नहीं थे, लेकिन इन वॉर गेम्स में एयरक्राफ्ट की दुश्मन के हथियारों के खिलाफ कारकर्दगी को इस तरह से जांचा गया कि जिससे ये साबित हुआ कि रियल वॉर में भी ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। कुछ माहिरीन की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि J10C एयरक्राफ्ट राफेल एयरक्राफ्ट से बेहतर नहीं हो सकता, ख़ासतौर पर इंडियन राफेल एयरक्राफ्ट जदीद सलाहियतों से लैस किया गया है, इसलिए J10C एयरक्राफ्ट राफेल के मुकाबले में उस तरह का नहीं है कि जिस तरह से होना चाहिए था। लेकिन हकीकत यही है कि ट्विन इंजन की वजह से इंडियन राफेल एयरक्राफ्ट थ्रस्ट टू वेट रेशो में J10C एयरक्राफ्ट से बेहतर है, लेकिन ये दोनों एयरक्राफ्ट एक ही तरह का फ्यूल कैरी करने की सलाहियत रखते हैं। वेपन्स और दूसरे सिस्टम्स को दोनों एयरक्राफ्ट एक ही वजन के साथ कैरी कर सकते हैं।
जबकि J10C एयरक्राफ्ट के मिसाइल इंडियन राफेल एयरक्राफ्ट के मिसाइल से कहीं बेहतर हैं। खास तौर पर PL-15 मिसाइल 200 प्लस किलोमीटर रेंज का हामिल है, जबकि इंडियन राफेल एयरक्राफ्ट बस 100 किलोमीटर रेंज तक का मीटियोर मिसाइल कैरी कर सकता है। यही वजह है कि मतलब कि एक दफ़ा इंडियन राफेल के अंदर जो फ्यूल है वो डलवाएं और एक दफ़ा J10C के अंदर डलवाएं, तो 200 मतलब कि 100 किलोमीटर जो है वो ये जो J10C है वो ज़्यादा सफ़र कर सकता है। भारत ने जहां पर अपने राफेल एयरक्राफ्ट तैनात किए, खास तौर पर लद्दाख में जब इन एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया, तो चाइना की तरफ से फौरन ही अपने J10C एयरक्राफ्ट बॉर्डर के करीब तैनात किए गए थे। माहरीन की तरफ से ये भी कहा गया है कि चीन को पाकिस्तान के तजुर्बात से सीखना चाहिए। मशकों के दौरान क्योंकि पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका हरीफ हिंदुस्तान है, इसलिए फिजाई अफवाज ने खास तौर पर करीबी फिजाई जंग पर तवज्जो मरकूज की। GT की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि दोनों ममालिक की तरफ से 200 से जायद परवाजों के साथ जंगी सलाहियतों को परखा गया, और ख़ास बात यह है कि चाइनीज़ पायलट्स ने पाकिस्तान के पायलट से अग्रेसिव मैनूवर्स, जारहाना चालों और भरपूर तजुर्बात से सीखा। खास तौर पर जब पाकिस्तान ने फरवरी 2019 में भारत के साथ डॉग फाइट में हिस्सा लिया था, तो चाइना के साथ इस तजुर्बे को भी शेयर किया गया। पाकिस्तान ने चीन से हाल ही में बड़ी तादाद में J10C एयरक्राफ्ट हासिल किए हैं, और जैसे ही ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हुए, भारतीय एयरफोर्स को लेकर इन एयरक्राफ्ट की कारकर्दगी को कई बार रिपोर्ट्स में पेश किया गया। लेकिन अब नई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स का ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी पायलट्स की महारत के साथ इंडिया के राफेल और Su-30 MKI एयरक्राफ्ट पर अकेला ही बर्तरी दिला सकता है। आज की अपडेट में इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, ये थी एक अपडेट जो कि मैंने आप लोग के साथ सोचा कि आप लोग के साथ शेयर की जाए और आप लोग तक पहुंचाई जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको एक ज़बरदस्त और अच्छी न्यूज़ लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।